हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस कॉलेज में आते हैं, दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास में दिए गए रोटरी क्वेश्चन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। उसके बाद बताऊंगा आप अपने आंसर को चेक करिएगा कि आपने किस टाइप से क्या क्वेश्चन किए हैं। उस पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने था कि अपने पास दो चार्ज थे, कितने चार्ज थे? दो चार्ज थे क्यू पर है क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? आर डिस्टेंस थी। कितनी डिस्टेंस थी? आर। और इन दोनों की वैल्यू क्या थी? होता नहीं थी। क्या नहीं थी? होता ही नहीं था। इन दोनों की चार्ज की वैल्यू क्या था? दिया हुआ था। इसके बीच इसकी डिस्टेंस थी वो कितनी थी? आर थी। कितनी थी? आर। अपन को क्या पूछा गया था? एफ मिनिमम पूछा गया था कि इनके बीच में लगने वाले फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो अपन को पूछी गई थी। तो इससे नहीं लगने वाले फोर्स की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी? अपने क्लास फोर्स पर ठीक है। तो चार्ज क्यू और क्यू हुए, इनके लगने वाला फोर्स है इनके मैग्नीट्यूड क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो इनकी मैग्नीट्यूड जितना कम होगा फोर्स की वैल्यू उतनी क्या होगी? कम होगी। इनके आपको इसके वैल्यू जितने क्यू और क्यू जितना बड़ा होगा उसमें फोर्स की वैल्यू उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इनफ्लुएंस क्या हुआ? मिनिमम फोर्स के लिए क्यू और क्यू क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। और स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होता है? हमें पता है स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे क्यू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू क्लास तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू वन टू अपॉन आर स्क्वायर। कोई किसी को दिक्कत? एफ इक्वल टू के क्यू वन बी क्यू टू बी। तो ये क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? नो दिक्कत। ये हमारा आंसर आ गया क्या? एफ आ गया। क्या आ गया? एफ। सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन इससे भी सिंपल था कि क्या था क्वेश्चन था वो ये था कि एक क्यूबल चार्ज था और एक क्यूब था क्योंकि फोर गुलाब चार्ज थी क्यूबल जो है टू गुलाब था। इसका मास था टू के जी, इसका मास था फोर के जी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? उनके बीच की डिस्टेंस आर थी। क्या थी? आर। अपनों क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यू टू है वो इसकी वेलोसिटी है वो टी टाइम बार आपका टी टाइम है वो इसकी वैल्यू क्या थी? 20 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी से जा रहा था। अब उन्होंने पूछा गया था कि ये जो क्यू वन चार्ज है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा गया था। तो देखो इसके अंदर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन कि जो ये फोर्स है इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी थी? आर। कितनी डिस्टेंस थी? आर। इसमें नेट फोर्स जो डिफेंसर फोर्स है टेंपरेचर और नेट फोर्स के बीच लगने वाले वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। तो आपको यहाँ पे क्या कंसेप्ट रहेगा? मोमेंटम। मोमेंटम आपने सुना होगा पी आई इक्वल टू पी एफ इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की टी टाइम टी इक्वल टू जीरो टाइम पे क्या था? जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? आपको पता है फॉर्मूला की क्या है? फोर कैसे है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड प्लस फोर्स वाले की कितना मास कितना है? टू कैसे है और इसकी वेलोसिटी हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? 80 प्लस 2 इनटू v इक्वल टू 0। तो v इक्वल क्या हो जाएगा? 80 अपॉन 2 v इक्वल क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी आ गई। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपने सबने सॉल्व भी किया होगा, उसका आंसर भी आया होगा। ये सिंपल सिंपल दो क्वेश्चन कल की क्लास में दिए हुए थे जिनके आंसर इस साइड थे। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया टॉपिक है कि आज तक अपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अंदर अपने पढ़े थे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, कितने चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स? दो चार्ज की अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स कितना लगेगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें अपन को इसने बताई थी। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो ये है कि यदि चार्ज दो से ज्यादा हो जाए, यदि चार्ज दो से ज्यादा हो जाए, चार चार्ज हो जाए, पांच हो जाए, दस हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, उस चीज के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। तो ये देखिए उससे पहले ऐसी बात है वो आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसी बात कैसी है? स्पेशल बात कैसी है? स्पेशल बात ऐसी है कि मेरे पास दो चार्ज थे। कितने चार्ज थे? दो चार्ज थे क्यू वन एंड क्यू टू। इनके बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, मतलब एक पॉजिटिव था एक ही नेगेटिव था, जिनके बीच में बहुत ही क्या अच्छी दोस्ती चल रही थी। इनकी दोस्ती को देखते हुए क्यू वन के पास एक नया चार्ज आ गया, वो क्यू थ्री आ गया। क्या आ गया? क्यू थ्री चार्ज आ गया और इसमें किससे क्या कर ली? दोस्ती कर ली। अब बताओ कि क्यू वन ने इससे तो दोस्ती कर ली वो तो ठीक है, इनके बीच में तो फोर्स लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या इसके आने से क्यू वन और क्यू टू की दोस्ती पे कोई फर्क पड़ेगा? इनके बीच में रहने वाले पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बात ये समझने वाली है। तो इसके अंदर सोचने वाली बात है, देखो थोड़ा सा सोचो, इनके बीच में दोस्ती थी, किसका आ गया, इनकी दोस्ती होगी, क्या
ऐसा फर्क पड़ेगा कि इसमें चार्ज कैसे जनरेट है, इसमें चार्ज पड़ता होगा लेकिन चार्ज के बीच में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उसके पास तीसरे चार्ज पर आने वाले फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, इनके बीच में जैसी दोस्ती थी वैसी ही रहेगी, इसकी वजह से क्या इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में जो हेडिंग है इसी के आधार पर हेडिंग है कि बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों मतलब क्या, आवेश दो से ज्यादा आवेश कितने के हो सकते हैं, तो मैं हेडिंग डालूं बहुल आवेश, ऐसा आवेश बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण बल या अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है और बहुल आवेशों का बल क्या होता है, तो इसके अंदर जैसे अपन कोई भी चार्ज लेते हैं, क्या चार्ज लेते हैं कि अपने पास मान लिया बहुत सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q उसके कारण एक छोटा चार्ज है तो टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नॉट, क्या लेते हैं क्यू नॉट। इसके पास मान लिया इधर पड़ा है Q1 चार्ज, इधर पड़ा है Q2 चार्ज, इधर पड़ा है Q3 चार्ज, इधर पड़ा है Qn चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, इनके बीच में भी क्या लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, रिजल्ट फोर्स इधर आ जाएगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, रिजल्ट फोर्स इधर आ जाएगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, रिजल्ट फोर्स चला जाएगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, रिजल्ट फोर्स चला जाएगा। ये वैल्यू आपको सबको पता होनी चाहिए कि ये मान लिया क्या है, F2 फोर्स है, ये वाला कौन सा फोर्स है, F2 फोर्स है, ये वाला फोर्स कौन सा है, F3 फोर्स है, इसके बीच में डिस्टेंस मान लिया R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3 है, ये क्या है RL है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत अपन को क्या फाइंड करना है Q0 चार्ज पर कितना परिणामी बल लगेगा उसका मान ध्यान करना है। तो ये ध्यान रखना अपन जाके अभी पढ़ा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उसके पास यदि तीसरा आवेश लाएंगे तो कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, आज तक नहीं पड़ा आगे भी नहीं पड़ना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपन लिखेंगे गुलाम नियम से, क्या लिखेंगे कि परिणामी बल जो F0 है F0 है उसकी वैल्यू क्या आएगी कि F1+F2+F3+...FN इस टाइप से वैल्यू चलेगी। तो आपको इसका इसका रिजल्ट है जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि इसमें देखो एक चीज इसके बीच में लगने वाला क्या होगा K Q1 Q0 upon R² होता R² इसके लिए क्या आएगा K Q2 Q0 इसके लिए Q3 Q0 इसके लिए Q0 मतलब Q0 वो सबके लिए क्या है कॉमन है, तो इसको Q0 को मैं सबसे पहले एक बार ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा Q1 upon R² ठीक है ना, इसको वेक्टर बनाने के लिए मैं R1 के लिए अभी क्या लगा दूँ गैप लगा दूंगा प्लस Q2 upon R2² प्लस R2 का गैप प्लस Q3 हो जाएगा ऐसे Q upon RL² ये RL का गैप ये अपना क्या रहेगा रिजल्ट पहुंच जाएगा, क्या रहेगा रिजल्ट पहुंच जाएगा किस चार्ज पर, इस चार्ज पर, इस चार्ज पर, इस चार्ज पर, ये अपनों को क्या रखना है ध्यान रखना है। पास होंगे आइए हमको से गई कोई दिक्कत इसमें किसी को नो दिक्कत होने भी नहीं चाहिए कि रिजल्ट है आपको पहले से पता है ग्राम दिन से याद करना है, बस ये याद रखना है कि एक चार्ज के प्रोसेस में दूसरा चार्ज आ रहा है इनके बीच में कोई दोस्त में फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनके बीच में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे बीच में इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके बीच में इन दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप से हमारा क्या है बहुल आवेशों के कारण बल है और अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हेडिंग डालेंगे ये लिखने के बाद लिखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत और अध्यारोपण के सिद्धांत की परिभाषा लिखेंगे कि लिखो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अनेक आवेशों की उपस्थिति में, अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिमाणित, किसी आवेश पर परिणामित बल विभिन्न आवेशों के द्वारा, विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत गुलाम बलों के सदिश योग की,
सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा तुम्हें घर पे बैठ के पढ़ने का भी, बहुत ही अच्छा है। आप बस घर पे बैठ के अच्छे से वीडियो देखेंगे और अपने अच्छे से कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वो सतत आवेश वितरण। कैसा टॉपिक है? सतत आवेश वितरण मतलब आवेशों का वितरण। सतत आवेश वितरण को हिंदी में बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्वांटिकल आवेशों, क्वांटिकल आवेशों का ऐसा वितरण जिसमें आवेश आवेश के मध्य की दूरी क्या हो, नगण्य हो, तो ऐसे आवेशों के वितरण को हम क्या बोलेंगे, सतत आवेश वितरण बोलेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। जिसमें फर्स्ट है रेखीय आवेश वितरण, कौन सा वितरण भाई, रेखीय आवेश वितरण जिसको हिंदी में बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है वो क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, कौन सा है, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण को हिंदी में बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है वो क्या है, आयतन आवेश वितरण, कौन सा वितरण है, आयतन आवेश वितरण जिसको हिंदी में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में ध्यान देना चाहिए, तीनों ही बहुत सिंपल सिंपल है, विचार है, ऐसे ही अपना बिना पढ़े याद हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या है, रेखीय, कौन सा है, रेखीय। किसने बताया कि मुझे किसी रेखा के रूप से वितरित कर दिया जाए तो मेरा नाम होगा रेखीय आवेश वितरण। जब किसी आवेशों को एक रेखा के रूप में वितरित किया जाए या बांटा जाए या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो आवेशों का ऐसा वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। कैसा वितरण कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। इसके अंदर हम घनत्व की बात करें कि रेखीय आवेश घनत्व क्या चीज होती है, इसको लैम्डा से लिखते हैं, क्या लिखते हैं लैम्डा से, ये बताता है कि रेखा की एकांक लंबाई में, रेखा की एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखा की एकांक लंबाई लिखी है के अंदर जो मात्रा होगी क्यू की, उसे अपन क्या बोलेंगे लैम्डा, मतलब रेखा की एकांक लंबाई में आवेश मात्रा लैम्डा कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसका ये बिंदु का वैल्यू अपन चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको क्या बोलेंगे लैम्डा डी है, क्या लिखेंगे लैम्डा डी है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक तो क्या होता है, इसका मात्रक देखो याद करो, सी का क्या होता है कूलम, एल का क्या होता है मीटर, कूलम पर मीटर, ये इसका क्या होता है मात्रक। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो सेकंड है, देखो सेकंड इससे भी सिंपल है, पृष्ठीय आवेश वितरण। कैसा वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसने बताया कि यदि मुझे किसी पृष्ठ के अनुदेश, किसी पृष्ठ के अनुदेश वितरित कर दिया जाए तो मेरा नाम होगा क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण। कैसा वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे अपने पास ये रूम है जिसके अंदर एक साइड से एक सरफेस ले ली, नीचे वाली सरफेस ले ली, साइड वाली ले ली, ऊपर वाली ले ली, इस टाइप से अपन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। इसके अंदर अपने एकांक वाली बात करें तो एकांक वाली बात करें मतलब किसकी बात करें, घनत्व की बात करें तो इसके अंदर घनत्व को किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं भाई, इसमें ये क्या है, ये तो सिग्मा है, तो क्या है, ये तो सिग्मा है, क्या है, ये तो सिग्मा है। इस सिग्मा का मान क्या होगा, इस सिग्मा ने बताया कि dq / रेखा की एकांक लंबाई होती है तो पृष्ठ की क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को अपन s से लिख सकते हैं, a से लिख सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे लिखो। सिग्मा इक्वल टू dq / ds, यहां पे अपन dq की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ds, क्या हो जाएगा, सिग्मा ds। ये याद रखना, ये आगे की कार्यों में इन फ्यूचर आप बड़े बड़े कार्यों में करेंगे वहां पे ये नाम आगे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जब डाउट लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां पे सिग्मा और ये लैम्डा बहुत ही मायने रखता है, वहां पे ये काम आएगा। ये याद रखना है कि देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे, एकांक पृष्ठ में आवेशों की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, इक्वल टू सिग्मा ds। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक तो सिग्मा ही होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन है वो क्या है, थर्ड वन है वो
बोलेंगे, आयतन आवेश क्षेत्र बोलेंगे, जैसे ये रूम है, इस रूम को पूरा का पूरा अंदर से क्या भर दो, आवेश क्षेत्र भर दो, तो उस अंदर क्या बोलेंगे, आयतन आवेश क्षेत्र बोलेंगे। आयतन आवेश क्षेत्र पे बाद में इसको एक गलत की बात करेंगे, तो इसके गलत को किसे लिखते हैं, रो से लिखते, किसे लिखते हैं, रो से, रो इक्वल टू आवेश बटा एकांश आयतन, रो इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीवी, डीक्यू अपॉन डीवी। यहाँ पर डीक्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो डीवी, क्या हो जाएगा, रो डीवी। इसके मात्रक की बात करेंगे तो तुम लोग बहुत ही टैलेंट हो, क्वालिटी हो, कूलाम पर मीटर क्यूब कर दोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत ही इजी बात है। तुम लोगों ने ऐसे बचपन में बहुत धमाके किए हुए, तो ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। ये तीन प्रकार के आवेशों का वितरण हुआ है, सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से होता है, रेखीय, वृत्तीय और आयतन, बहुत ही सिंपल सिंपल है। इसको तुम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही लोगों को तुम्हारा फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है। यस बच्चों, नेक्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे, वो अपनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को सबको पता है कि विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। सबने बचपन में सुना होगा, किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ होती है। आज अपन सब सुनेंगे वापस एक बार कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अपन ने बचपन में पढ़ा था कि कोई आवेश जब स्थिर होता है उसके आसपास एक क्षेत्र बनता है, उसका नाम अपन क्या देते हैं, विद्युत क्षेत्र देते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई आवेश क्यू है, इसके आसपास क्या बन गया, एक ये क्षेत्र बन गया। ये क्षेत्र बना हुआ कोई अपन को दिखाई तो देता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इसको पता लगाते हैं कि विद्युत क्षेत्र बना या नहीं बना। तो मैं एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक दूसरा चार्ज है क्यू, ले लेता हूँ उसको, मैं एक धागे से बांध देता हूँ ताकि फ्रीली इधर उधर जा सके। जैसे ही मैंने इसको बांध दिया, मैंने इसके पास लाया, तो ये इसकी बाउंड्री के जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, तो इस आवेश के ऊपर एक बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। वो बल किस प्रकार का हो सकता है, आकर्षण प्रकार, आकर्षण प्रकृति का हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, मतलब आकर्षण और या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्शन, इस टाइप का। यदि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बल लगता है, फोर्स लगता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन और लेते हैं, जैसे ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, माना कि विद्युत क्षेत्र बना हुआ है या नहीं बनाया हुआ, इसको अपन को चेक करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक धागे से मान लिया, ये चार्ज ले लिया, इस धागे से बांध दो, इस रूम के अंदर तुम लेके आओ उसको। अब ये आवेश है, यदि इस धागे से बंधा हुआ है और ये आसानी से इधर-उधर जा सकता है, तो जैसे इसके ऊपर आकर्षण बल लगेगा तो ये ऐसे आ सकता है, प्रतिकर्षण लगेगा तो वैसे जा सकता है। तो अपन रूम के दरवाजे से एंटर करते, यदि ये दरवाजा, इस दरवाजे से एंटर करते, यदि आवेश इधर या इधर प्रतिकर्षित हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो इसके अंदर, रूम के अंदर बना हुआ आवेश क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, अदरवाइज कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। तो अपन इसकी सिंपल सी परिभाषा देंगे विद्युत क्षेत्र की, कि स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अब ये लगने वाला बल कितना होगा, उसको पढ़ने के लिए अपन सिंपल सी कहानी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, कि उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वो ये बताता है कि जब आप किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाओगे तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा, वो बताता है कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ही अपन ये विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इसके अंदर मैंने कोई आवेश रख दिया, जैसे क्यू नॉट रख दिया। क्या रख दिया, क्यू नॉट है, वो प्रेक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज है वो क्या है, बहुत ही छोटका है। कैसा चार्ज है, बहुत ही छोटका है। क्यों मैंने इसको छोटके को रखा, अंदर मोटके को क्यों नहीं ला लिया। यदि मोटका चार्ज यहाँ पे रख दूंगा तो वो खुद का क्या बना लेगा, विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो इसके कारण इसके ऊपर लगने वाले बल को अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इस बल को ज्ञात करने के लिए, कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखेंगे तो उसके ऊपर कितना बल लग जाएगा, उस बल को ज्ञात करने के लिए अपन को क्या रखना पड़ेगा, छोटका आवेश रखना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताती है कि जब किसी आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये एक सदिश राशि है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। F भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अकॉर्डिंग टू ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार, जब
किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये सबसे पहले लगने वाले बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फैराडे जी ने बताया था। किसने बताया था? फैराडे जी ने बताया था। और ये कैसी राशि है? ये तो सदिश राशि है। ये तो कैसी राशि है? ये तो सदिश राशि है। इसको किससे लिखते हैं? इसको तो ई वेक्टर से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है भाई बच्चों बताओ? इसका मात्रक तो एफ एफ मतलब क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक तो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये तीनों चारों बातें तुम लोगों को स्पेशली इसकी बात ध्यान होनी चाहिए कि जो विद्युत बल के बारे में सर्वप्रथम हमने बताया वो किसने बताया? फैराडे जी ने बताया। उसके ये राशि है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे ई सदिश से लिखते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और ये जो राशि सदिश होती है इसकी दिशा है वो क्या? लगने वाले बल के अनुदिश होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? लगने वाले बल के अनुदिश होती है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र है वो किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न हुए क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो उसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और यदि इस आवेश पे किसी विद्युत क्षेत्र में कोई अपन धन परीक्षण आवेश रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम है तो वापस देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। वो है ये कि जब अपने पास कोई छोटा सा आवेश है, कैसा आवेश है? एक छोटिया आवेश है। छोटिया आवेश कैसा आवेश है? बिंदु आवेश है। कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। तो हेडिंग डालेंगे बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक मेरे पास छोटका सा आवेश पड़ा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता होगी? इसके लिए अपन लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये कितनी होगी? ये देखो अपन एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं। कैसा चार्ज ले लेते हैं? एक छोटका चार्ज ले लेते हैं। मैंने क्यू चार्ज ले लिया। कैसा चार्ज ले लिया? इधर से मैंने चार्ज लेके मैं रवाना हो गया। इधर श्यू आगे गया तो एक मुझे पॉइंट मिला, ये पी पॉइंट मिला। यहाँ से कितनी दूरी पर? हार दूरी पर। इस पी पॉइंट पे मैंने रुक के कोशिश की, सोचा कि यार इस पी पॉइंट पे मैं क्या ज्ञात कर लूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर लूँ। क्या ज्ञात कर लूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर दूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लूँ। तो यहाँ ज्ञात करने के से पहले हम मेरे को ख्याल आया कि मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। फॉर्मूला आ गया समीकरण नंबर एक। अब मेरे पास कोशिश की मैंने कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है यार, एफ की वैल्यू कहाँ से लाऊँ? एफ क्या है? एफ तो लगने वाला बल है। अब लगने वाला बल मैं कहाँ से लाऊँ? तो मैंने किसको याद किया? अभी तक अपन ने सिर्फ कूलाम जी को पढ़ा कि कूलाम जी यार मेरे को बल लगाना है तो बल लगाना। कूलाम जी ने कहा मेरा यूज कर सकता है, तो मैंने क्या कहा? कूलाम नियम से। किस नियम से? कूलाम नियम से। कौन से नियम से? कूलाम नियम से। कूलाम जी नियम ने बताया कि एफ इक्वल टू क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब मेरे पास ये कम कन्फ्यूजन वापस पैदा हो गया कि के क्यू वन तो चलो क्यू पड़ा है लेकिन क्यू टू तो मेरे पास है ही नहीं। ये तो मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है कि क्यू टू तो मेरे पास है ही नहीं। फिर मेरे को वापस याद आया कि यदि ये पी पे मैं छोटा सा क्यू जीरो रख दूँ, ऐसा रख दूँ तो किसको पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। किसी ने कहा कि यार मोटका ही रख देना। ये मैंने कोशिश की मोटका रखा, पहले मोटका रखते ही अब मैंने इसके मोटका रख के इसके कोशिश की इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की, तो मुझे ये लगा कि यार यहाँ खुद का विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। क्या लगा हुआ? बना हुआ है खुद का विद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद का चार्ज रख दिया बड़ा सा। तो यहाँ पे अपन बड़ा चार्ज नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ छोटका सा चार्ज रखना है जो सिर्फ कूलाम के नियम को सेटिस्फाई या कूलाम नियम से एफ ज्ञात करने के लिए अपन यूज करेंगे। इस चार्ज की कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यदि बड़ी होगी तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, इसके कारण अपन यहाँ पे पी पे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने छोटका चार्ज क्यू जीरो ले लिया, क्यू टू की वैल्यू क्या आ गई? क्यू जीरो। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? के। क्यू वन की वैल्यू क्यू है उधर पड़ी है, क्यू टू की वैल्यू क्या आ गई? क्यू जीरो। अपन बीच की डिस्टेंस क्या है? 8 स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर 2। अब ये वैल्यू किसकी आ गई? एफ की। एफ की वैल्यू अपन कहाँ पटकेंगे? एफ की वैल्यू श्यू पटकेंगे। किस में पटकेंगे? ई में पटकेंगे। तो समीकरण नंबर अपन क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर एक से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ की वैल्यू वहाँ रख दो, के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर अपॉन
अपॉन क्या है, अपॉन क्यू जीरो है, अपॉन क्या है क्यू जीरो, ये क्यू जीरो से ये क्यू जीरो कट गया, बोचा क्या बोचा ये इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी जीव कोई किसी भी जीव को दुखी होने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कि इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मेरी मैंने कोशिश की कि ई और आर में क्या संबंध आया, तो मुझे लगा कि ई ये तो व्युत्क्रमानुपाती आया। ये मैंने कोशिश की कि इनके बीचों में ग्राफ बनाने की कोशिश करूं कि यहाँ आर ले लूं या क्या ले लूं ई, तो हमें पता है व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ हमेशा क्यों आता है, ये ग्राफ किसके बीच का आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ में ग्राफ आ गया। इसको नोट डाउन करो, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास लेते हैं। यहाँ तक सबको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यस, नेक्स्ट हेडिंग जो है अपनी वो है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं बोलो चाहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, ये हेडिंग डालेंगे अपन विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या चीज होती है भाई, देखो कि जब कोई विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में यदि किसी में धन परीक्षण आवेश को रख दूं, कोई विद्युत क्षेत्र बना हुआ है उसके अंदर मैं कोई धन आवेश रख देता हूं, तो वो विद्युत क्षेत्र के अंदर धन आवेश जिस पाथ का जिस रास्ते का अनुसरण करता है, जिस रास्ते से होकर वो गुजरता है, जैसे वो चलता है उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएँ बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रतापूर्वक किसी धन परीक्षण आवेश को छोड़ दिया जाए तो वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, देखो विद्युत बल रेखाओं के बाद में ये परिभाषा होने के बाद अपन विद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे, कुछ खास बात पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में कि विद्युत बल रेखाएं क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो विद्युत बल रेखा है वो खुले वक्र में होती है। कैसे वक्र में होती है, खुले वक्र में होती है। सबसे फर्स्ट है वो खुले वक्र में होती है, खुले वक्र में होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि विद्युत बल रेखाएं है वो पृष्ठ के लंबवत प्रारंभ होकर पृष्ठ के लंबवत ही खत्म हो जाती है। किसी भी चालक के पृष्ठ के लंबवत प्रारंभ होती है, अलग एंगल से प्रारंभ नहीं होती, ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, इनकी दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, इसके पृष्ठ पे खत्म हो जाती है, अंदर विद्युत बल रेखाएं गमन नहीं करती, इसलिए अंदर विद्युत बल रेखाएं गमन नहीं करती तो विद्युत क्षेत्र का मान भी अंदर क्या रहता है, शून्य रहता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि दो बल रेखाएं आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेगी, यदि ऐसा काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होगी, एक ही समय में ऐसे दो दिशाएं होना संभव नहीं होता, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में कभी नहीं काटती। ये है विद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टियां। और ध्यान रखना कि जहाँ पे विद्युत बल रेखाओं की भीड़ ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र बनता है, और जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है, जहां भीड़ कम होती है, वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र बनता है। और इसके अलावा एक चीज देखो, एसपी बात है कि कोई चालक है, कोई क्या है चालक, उस चालक को अपन आवेश दे रहे हैं तो वो हमेशा और हमेशा अंदर नहीं रुकता, और हमेशा हमेशा कहाँ चला जाता है, पृष्ठ पे चला जाता है, समान रूप से पृष्ठ पे वितरित हो जाता है, इसलिए अंदर Q इक्वल टू जीरो है, Q जीरो होने की वजह से अंदर E भी क्या रहेगा जीरो, इसलिए चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, शून्य ही अपन को मान के चलना है। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन क्लास के लास्ट में आपको लिखवा दूंगा मैं। तो सबसे पहले इसका क्या है हेडिंग है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव।
विद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ होती है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बोर्ड क्लास के लिए यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अक्षय रेखा और निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हेडिंग है अपनी विद्युत द्विध्रुव, ये देखिए विद्युत द्विध्रुव को हिंदी में क्या बोलते हैं, और विद्युत द्विध्रुव, अब तुम लोगों को नाम से पता चल रहा है द्वि का मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या काम करता है, क्या चीज़ होती है, देखो मेरे पास एक पोल ये दो पोल, मतलब एक प्लस का क्यू आवेश और एक माइनस का क्यू आवेश, देखो परिमाण में दोनों बराबर है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, यदि ये पोचिस होता तो ये भी पोचिस होगा, यदि ये पोचास होगा तो वो भी क्या होगा, पोचास होगा। तो ये दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों को मैं स्मॉल डिस्टेंस पर रख दूँ, मान लिया सेंटर पॉइंट से अब ये मैंने रख दिया, इनके बीच में एल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है और एल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, टोटल इसके बीच की कितनी डिस्टेंस ले ली मैंने, टू एल डिस्टेंस ले ली, एल ले लो ए ले लो जो तुम्हारे लेनी इच्छा हो वो ले लो। तो जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को अपन अल्प दूरी पर स्थापित कर देते हैं, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा माइनस होगा, समान परिमाण विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को यदि अल्प दूरी पर स्थापित किया जाए तो बने युग्म को बने जोड़े को बने पेयर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये याद रखना है, दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को जब अल्प दूरी पर स्थापित कर दिया जाए रख दिया जाए तो बने युग्म को बने जोड़े को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद में आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये याद रखना, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू ये 2L डिस्टेंस है, अपन को ये लिख के रखना है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वो देखो कि ये दो चार्ज जो पड़े इसमें से कोई भी एक चार्ज ले लो, आघूर्ण का मतलब स्यू स्यू या यू यू, तो अपन आघूर्ण करवाएंगे इसको घुमाएंगे, तो अपन को एक चार्ज अपने क्या लेना है, फिक्स लेना है, एक चार्ज को अपन क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है, दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है, ये प्लस का क्यू है तो ये क्या है माइनस का क्यू, कि आइदर चार्ज और बीच की डिस्टेंस कितनी थी अभी मानिए 2L, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कि दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद में अपन को देखना है इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे अपन P से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर दो प्रकार की डेरिवेशन है, इस पूरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कितने प्रकार की डेरिवेशन है, दो प्रकार की डेरिवेशन है, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक अक्षय रेखा होती है और एक निरक्ष रेखा होती है। मान लिया ये द्विध्रुव है, ये क्या है द्विध्रुव, इसके अंदर जो ये लाइन है उसको अपन कैसी रेखा बोलेंगे, अक्षय रेखा बोलेंगे, कैसी रेखा बोलेंगे, अक्षय, और इस अक्षय रेखा पर कोई भी बिंदु आएगा उसको अपन अक्षय बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अक्षय बिंदु, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्सिस पॉइंट, क्या बोलेंगे, एक्सिस पॉइंट, और इसका जो केंद्र बिंदु है इस केंद्र बिंदु से लंबवत वर्टिकल ये जो लाइन होगी इसको अपन बोलते हैं निरक्षय बिंदु, निरक्षय रेखा, कैसी रेखा, निरक्षय रेखा, कैसी रेखा, निरक्षीय रेखा, इक्विटोरियल लाइन, कैसी लाइन बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन, और इस निरक्षीय रेखा पर कोई भी बिंदु होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, निरक्षीय बिंदु, क्या बोलेंगे, निरक्षीय बिंदु। तो यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन को दो जगह बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एक तो केंद्र बिंदु से कोई भी जितनी भी दूरी लेंगे अक्षय बिंदु पर लेंगे, और उतनी की उतनी दूरी कहाँ पर लेंगे, निरक्षीय रेखा पर लेंगे, और दोनों पे अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे, P का मान ज्ञात करेंगे, P कितना आएगा वो अपन ज्ञात करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये याद रखना। सबसे फर्स्ट अपन अक्षय बिंदु, तो फर्स्ट अपनी हेडिंग है वो क्या है, अक्षय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, का किस बिंदु पर, अक्षय रेखा पर, अक्षय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षय बिंदु, ठीक है भाई, अक्षय बिंदु पर, अक्षय बिंदु पर ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या लिया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया, ये विद्युत द्विध्रुव ले लिया मैंने भाई, क्या ले लिया मैंने,
एक विद्युत ध्रुव ले लिया जिसके दो आवेश है, मान लिया प्लस क्यू आवेश और ये मान लिया माइनस क्यू आवेश। केंद्र बिंदु से दोनों की डिस्टेंस बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल डिस्टेंस और ये भी क्या हो गई, एल डिस्टेंस। केंद्र बिंदु से मैं एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, ये अक्षय रेखा है, इसके एक्स दूरी पर मैंने कोई पॉइंट लिया पी, वहां पे मेरे को क्या ज्ञात करना है, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। ई ज्ञात करने के लिए मैं क्या ज्ञात करूंगा, देखो कैसे ज्ञात करूंगा, अपनों पता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पहले से भी ज्ञात कर चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे माइनस क्यू के कारण यहाँ पे कितनी होगी, प्लस क्यू के कारण कितनी होगी, दोनों का अपन रिजल्ट एन के लिए अपन जैसा भी करना चाहेंगे अपन ऐड कर लेंगे। तो मान लिया इसके कारण कितनी ई वन और इसके कारण कितनी है ई टू, मैं सेपरेट सेपरेट दोनों की फाइंड आउट कर लूँ कि पहले मैं लिख दूँ माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस क्यू के कारण कितनी हो जाए, अपन को पता है बिंदु आवेश के कारण ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट के लिए अपन क्या मान रहे हैं, ई वन, ई वन के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, कितना यहाँ से यहाँ तक बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक आर, ये क्या एक्स, एक्स प्लस क्या कर दूंगा एल, तो ये आ गया एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार, किसी प्रकार, इसी प्रकार किसके कारण, क्यू टू के कारण, क्यू टू के कारण, क्यू टू के कारण क्या हो जाएगा, यही ई टू, ई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, यहाँ तो है ही नहीं x, x माइनस एल कर दो बच जाएगा, तो यहाँ पहले लिख दिया x माइनस एल का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर दो। ये अपने पास आ गया ई वन और ई टू की वैल्यू। अब अपन सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे रिजल्ट एंड फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्ट एंड फाइंड आउट करना बिंदु पी पर, तो मैं लिख दूं बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ, एक छोटा सा दिमाग लगाओ, अपन ने पहले भी देखा था कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, घटता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो ये बताओ, यहाँ पे मान लिया ई वन है, ई वन की दिशा किधर है, श्यू है, किधर है, श्यू, ये है ई वन, तो ई टू की वन इधर है, तो ई टू किधर होगा, ई टू इधर होगा, सिंपल सी बात है, दोनों आपस, दोनों आवेश क्या है विपरीत प्रकृति के, दोनों की दिशाएं क्या होगी, अलग अलग होगी, चाहे ई टू इधर मान लो, ई वन इधर मान लो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बताओ कि ई वन की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे या ई टू की ज्यादा, ई वन की वैल्यू ज्यादा होगी या ई टू की वैल्यू ज्यादा होगी, सोचने वाली बात है कि जो आवेश पास में होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो आवेश दूर होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो दूर कौन है, प्लस क्यू, प्लस क्यू कारण अपन क्या मान रहे हैं, तो ई वन इज लेस लेस देन किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, मतलब ई टू के कारण, ई टू से ई वन क्या है लेस है, तो मतलब ई टू इज ग्रेटर देन ई वन, ठीक है। तो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े में से क्या कर देंगे, छोटा वाला माइनस कर देंगे, समीकरण किससे, समीकरण एक व दो से, किससे, समीकरण एक व दो से, ई इक्वल टू ई टू की वैल्यू क्या है, ई टू की वैल्यू तो ये है, क्या है कि के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया कॉमन, क्या आ गया भैया यहाँ पे, के क्यू कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, इधर से क्या बोचा, इधर से x माइनस एल का होल स्क्वायर बोचा, माइनस इधर से x प्लस एल का होल स्क्वायर बोचा। अब इधर से एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ले रहे हो, कॉम समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ में आना चाहिए, एलसीएम क्या आएगा, जब दोनों ही टर्म अलग अलग है तो अपन दोनों ही टर्म को ले लेंगे एलसीएम, तो इधर से एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक्स माइनस एल वाली टर्म कट जाएगी, बचेगी क्या, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस, इधर से क्या बच जाएगा, प्लस वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत। अब बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बचपन में तुम पढ़ा कर देते, इसको होल स्क्वायर को खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एक्स एल, इधर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू एक्स एल, इसको कटोगे तो सब कट जाएंगे, बचेगा इधर टू एक्स एल और इधर भी टू एक्स एल, तो ये वैल्यू बच जाएगी क्या, फोर एक्स एल, ये इक्वल टू क्या बचेगा, ऊपर ये के क्यू बार है, अंदर बचेगा 4xl अपॉन, अपॉन क्या बचेगा, ये देखो इधर वाला फॉर्मूला लगाना है, नीचे वाले में क्या लगाना है, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ x की कंपेयर में l क्या है, बहुत ही छोटा है या नहीं है, कैसे पता चला कि ये तो अक्षय रेखा, ये तो क्या है अक्षय रेखा, ये तो बहुत ही दूर तक जा सकती है, लेकिन l है वो क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की बहुत ही दूरी क्या है, कम है, तभी तो जोड़ा बनेगा। तो x के कंपेयर में l है वो बहुत ही क्या है, छोटा है। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मतलब l इज वेरी वेरी लेस देन x, तो बड़े में से बहुत ही छोटिया घटाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको क्या मालूम है, नगण्य मान लूं। तो बचा क्या, E इक्वल टू बाहर बचा के क्यू, अंदर बचा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगी 4, तो एक ये कट जाएगा कितनी टाइम, 3 टाइम कट जाएगा। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ऊपर क्या बचा, E इक्वल टू के क्यू 4l अपॉन, नीचे बचा एक्स क्यूब। अब देखो टुकड़े करो, क्या करो टुकड़े, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये छोटी सी जगह है, इसको खाली नहीं रखना चाहिए, इसको भर देते हैं पहले, कि यहाँ पे मैं, हम जानते हैं कि q इंटू 2l क्या होता है, q इंटू 2l को अपन क्या मानते हैं, p मानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी अभी अपन ने पढ़ा था q इंटू 2l क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे क्यों पड़ा है, ये 4L है, क्या 4 के दो टुकड़े कर दूं, 2 इंटू 2 कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं मैं। तो E इक्वल टू, मैंने एक 2 को बाहर ले लिया, और बी अंदर क्या पड़ा, ये Q का Q पड़ा है, इस दो में चार में से एक दो बाहर ले लिया, तो एक दो अंदर पड़ा है, तो ये क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, Q इंटू 2L बना सकता हूँ इसको, अपॉन में क्या है एक्स क्यूब, Q इंटू 2L क्या है, हम जानते हैं Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2KP अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये अपना रिलेशन आ गया। E के साथ दूरी के साथ कैसा रिलेशन आया, इसके साथ ऐसा व्युत्क्रमानुपाति आया, इसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ जगह की कमी के कारण, ये श्यू आएगा, जहाँ पे भी व्युत्क्रमानुपाति आता है तो वहाँ पे श्यू ग्राफ ही बनता है, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई ज़्यादा भार वाला काम नहीं है बच्चों। देखो यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ से होते हुए यहाँ गई है और वापस यहाँ पे इस बॉक्स में आया है मामला, तो इसको आराम से पढ़ेंगे, आराम से देखेंगे। इसके बाद में अपन सेकंड डेरिवेशन करेंगे, वो क्या है, निरीक्षण बिंदु पर आएगा, कहाँ पर आएगा, निरीक्षण बिंदु पर, तो उसमें ध्यान रखना E इक्वल टू 2kp की जगह ओनली kp एक्स क्यूब भी आएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान आधा हो जाता है, ये लिखो यहाँ तक। उसके बाद अपन क्या करते हैं, निरीक्षण बिंदु पर ज्ञात करते हैं। यस बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो, निरीक्षण रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट है वो कहां पर अपन ज्ञात करेंगे, निरीक्षण बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, निरीक्षण बिंदु पर, निरीक्षण बिंदु पर ज्ञात करने के लिए अपन वही दो आवेश ले लेते हैं, दो छोटके से आवेश ले लेते हैं, ये प्लस का क्यू ले लेता हूँ, ये क्या ले लेता हूँ, माइनस का क्यू ले लेता हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ये सेंटर पॉइंट है इसका, केंद्र बिंदु से मैं यहाँ पे जैसे से ये ले लिया मैंने, क्या दूरी ले ली, ये मैंने ले ली P पॉइंट ले लिया, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो ली है वो क्या है, x ली है, जैसे मैंने x उधर ली थी वैसे की वैसे x मैंने किधर ली थी, ऐसे ले लिए है। अब बताओ ये दूरी, ये अपन को पता है l है, और यहाँ से यहाँ तक की भी अपन को पता है क्या है l, तो ये कितनी होगी, अपन को पता है ये तो क्या हो रहा है, ये तो कुछ कुछ हो रहा है कि ये लंब बन रहा है, ये आधार बन रहा है, ये तो कर्ण बन रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी अपन ज्ञात करेंगे बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है अपन को, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, E ज्ञात करना है, तो मैं पहले वही कहानी, पुरानी कहानी, जैसा अक्षय बिंदु में किया था वैसे वैसे कर लूँ, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, माइनस Q के कारण बिंदु P पर, फिर बिंदु P पर अपन क्या कर लेंगे, परिणामी ज्ञात कर लेंगे। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अपन को पता है E इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला वही होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो E1 इक्वल टू KQ, तो KQ ही है, बीच में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर पर बचेगा, अंडर रूट लगाना नहीं तो स्क्वायर भी लगाना नहीं है। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण भी ये हो जाएगा। इसके कारण मान लिया ई वन है तो इसके मान लो ई टू, इसके कारण यहाँ पर बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन, तो के क्यू है ही है, यहाँ से भी वही दूरी है, जितनी दूरी है उतनी उतनी दूरी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ी सी आके फाड़ो अपनी और देखो दोनों इक्वेशनों के सामने ये क्या हो गया यार, ये तो ई वन और ई टू की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। बराबर कैसे आ गई, क्यों पता चला कि दोनों आवेशों के कारण समान दूरी पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान ही बनेगी। तो अब क्या करेंगे, अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। वहां पर तो दिशा विपरीत होने की वजह से अपन फटाक से कर लिया था, लेकिन यहां तो बात एंगल की आ गई। जब भी ऐसी कोई एंगल की बात आती है तो यहां पर अपन चाहे बल हो चाहे कोई भी चीज हो, वहां पर अपन क्या बना देते हैं, घटकों में वियोजित कर देते हैं उसको। तो यहां पर दो घटक बनेंगे, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। तो प्लस क्यू के कारण भी दो घटक बनेंगे, माइनस क्यू के कारण की तीव्रता के कारण भी कितने घटक बनेंगे, दो घटक बनेंगे। तो इसके कारण मेरे पास दो घटक आए, मान लिया एक लंबवत घटक और एक आया क्षैतिज घटक। इसके कारण माइनस के कारण लंबवत घटक क्या ऊपर आएगा, तो नीचे इसके लिए किधर आएगा, नीचे आएगा क्षैतिज घटक इसका, ये इधर आ गया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसके लिए क्या था क्षैतिज घटक, लंबवत घटक के साथ क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वन साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वन कॉस थीटा। टू के लिए मैं क्या लिख दूंगा, ई वन साइन थीटा यहाँ पे रखूंगा, इसको मैं इधर रख रहा हूँ, ई टू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या रख दूंगा, ई टू कॉस थीटा। ये क्षैतिज घटक हो गए। तो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन देखते हैं, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो परिणामी तीव्रता देखने के कारण ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें नोट करना है, मैं तुम्हें बोल के बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्षैतिज घटक लंबवत घटक ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा, लंबवत घटक ई वन साइन थीटा और ई टू साइन थीटा जो है, ई वन और ई टू की वैल्यू क्या है, बराबर और विपरीत दिशा में होने की वजह से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन क्षैतिज घटक ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के वजह से ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और परिणामी तीव्रता अपन को बताएंगे। तो यहाँ पे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता होगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ये ध्यान रखना, लंबवत घटक थे, परिणाम में बराबर विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो गए, निरस्त हो गए। यहाँ पे ई वन इज इक्वल टू क्या है, ई टू है। अपन कैसे पता चला, यहाँ से वैल्यू से पता चला, दोनों वैल्यू बराबर आई। तो क्या मैं ई टू की जगह ई वन रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ई वन रखूंगा तो ई वन कॉस थीटा प्लस ई वन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टू ई वन कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टू ई वन कॉस थीटा हो जाएगा। अब ई वन की वैल्यू समीकरण एक से, किस से, समीकरण एक से ई वन की वैल्यू रख दो, ई इक्वल टू टू। ई वन की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बताओ बच्चों कॉस थीटा क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से देखो, लाल बट्टा कक्का साइन कॉस, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार तो ये है, आधार क्या है, ये है, ये तो क्या है, ये तो एल है, ये तो ऊपर तो एल आ गया, चलो ठीक है। बट्टा कर्ण, कर्ण क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये E इक्वल टू क्या है, 2KQL, सबको एक साथ लिख दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कुछ भी नहीं, मतलब घात कितनी, 1, कुछ भी। घात का मतलब ये नहीं कि घात 0 है, 1 होती है। यदि किसी भी टर्म की घात 0 होती है, इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पे घात कुछ भी नहीं, मतलब इसकी घात 1, और रूट का मतलब घात कितनी, रूट का मतलब घात हाफ, तो 1 + 1/2 = 3/2। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अब देखो बचपन वाली कहानी, काजू बनाना, क्या बनाना, काजू बनाना, कैसे काजू बनाओ, क्यों, ये 2, ये एल, क्यू को, ये 2 को मैं एल के साथ लिख दूंगा तो मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा, देखो ये ई लिख दिया, ई इक्वल टू के को मैंने बाहर रख दिया, अंदर क्यू इंटू इस 2 को मैंने एल के साथ रख दिया, अपॉन नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अपन यहाँ पे भी जानते हैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
एल, तो एल क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो नगण्य बहुत बड़े में नगण्य जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर ही रखता हूँ, एल को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। एल बाय ये 3/2, 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसल। वी नो देट क्यू इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है पी, ये इसकी जगह क्या रख दूंगा पी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये 2 से 2 कट गया, क्यूब बचा। तो ये अपने पास क्या आ गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, निरक्ष बिंदु पर, कहाँ पर आई, निरक्ष बिंदु पर। अक्षय पे यहाँ क्या आया था 2, यहाँ पे 2 नहीं आया। E के साथ इसका संबंध कैसा है, वैसा ही संबंध है जैसा निरक्ष पे, क्योंकि दूरी के साथ इनका मान क्या होता है, घट जाता है। इसलिए ग्राफ क्या आ जाएगा, श्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, श्यू आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष के कंपेयर में डबल होती है, निरक्ष के कंपेयर में क्या होती है, डबल होती है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्विटोरियल, ई इक्विटोरियल मतलब ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्विटोरियल, इक्विटोरियल मतलब निरक्षीय। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है, निरक्षय की तुलना में अक्षय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डबल होती है और अक्षय की तुलना में निरक्षय पर आधी होती है। दोनों टाइप से कैसे भी बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। और इसके बाद यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद में तुम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएंगे, वो तुम्हें घर बैठ के सॉल्व करने हैं आराम से, और इस डेरिवेशन को भी अच्छे से लर्न करना है। यस बच्चों, ये हो गया। इसके बाद में तुम्हें कुछ टर्म्स की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, वैसे तुम्हें ध्यान होगी लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ध्यान तुम लोगों को नहीं है तो बता देता हूँ कि जैसे ही अपने पास कुछ मेगा की वैल्यू होनी चाहिए, मेगा मेगा को अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल एम, जिसकी वैल्यू होती है 10^6। उसके बाद में किलो, किलो को अपन के से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10^3। इसके अंदर अपन लिखते हैं मिली, मिली को अपन स्मॉल एम से लिखते हैं, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू होती है -3। उसके बाद अपन एक माइक्रो लिखते हैं, माइक्रो को अपन ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10^-9। एक बार उसके बाद में लिखते हैं नैनो, नैनो को अपन एन लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10^-9। उसके बाद अपन पीको लिखते हैं, पीको की वैल्यू क्या होती है 10^-12। ये तुम लोगों को एक न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान होनी चाहिए ताकि तुम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तुम्हारी हेल्प हो सके। और अच्छी सी बात बताऊं तुम्हें ध्यान रखना कि बोर्ड क्लास, 12th क्लास का बोर्ड क्लास का जो पैटर्न है उसके हिसाब से तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इस क्लास में, और इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में बता दिए जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पर एक क्लास न्यूमेरिकल क्लास पूरी अलग ले लेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन का तुम्हारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास से अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ का, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शानदार है, तुम लोगों को मजा आ जाएगा पढ़ने का, आराम से ये याद रखेंगे और अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।